नर्मदे यार नर्मदे यार। गाड़ी बहुत, हाँ गाड़ी बहुत छोटी है आपकी। यह है शुल गांव, नर्मदे हर नर्मदे। नर्मदे हर दादा। आगे कोई नदी आने वाली है कुछ इस प्रकार के है यहाँ पर मकान। गांव कितना दूर है यहाँ से? बस सुलगांव आ गया। आगे मतलब आश्रम जाना है कि सीधा आगे जाना है? नहीं देखिए आगे जाएंगे। आगे कौन सा गांव है? हाँ, आगे आएगा गोगा। गोगा कितना दूर है वहाँ से? मतलब ये एक मोहल्ला आएगा दगड़ी सुलगांव का। हाँ हाँ, उसके बाद 3-1 किलोमीटर को गांव है पतराड़ है। ठीक है ठीक है। नर्मदे हर नर्मदे हर। वहां पीछे वो छोटी बैलगाड़ी वाले चाचा मिले थे, पर थोड़ा ही दूर इधर आने पर यहाँ दो रास्ते, ये सो सीधा गांव गोगांव की तरफ जाता सीधा रास्ता, और इस तरफ आश्रम को रास्ता जाता नर्मदेश्वर आश्रम। परिक्रमा वासियों के लिए भोजन और ठहरने की व्यवस्था है गांव सुलगांव। तो अभी हम क्या जाए, सीधा जाए या इधर? देखो इधर ही जाते, आश्रम भी दिखा देते आपको। 1 किलोमीटर बता रहे। स्वच्छ भारत परियोजना। देखिए भाई इधर आना ही मत, इस रास्ते बहुत गंदा रास्ता है, पूरा गांव टॉयलेट इसी रास्ते पर करता है। संभल संभल कर पैर रखने पड़ते, इसे वो पीछे वाला रास्ता वहीं से निकल जाओ सीधे। बहुत गंदा रास्ता है। अभी भी देखिए वो दो बच्चे आगे डिब्बा लेके जा रहे हैं। यह है शुलगांव, नर्मदे हर नर्मदे। पीछे जो हम छोड़ के आए वो सुलगांव की कोई बस्ती थी, सुलगांव आगे है, उसके बाद गोगांव है 4-5 किलोमीटर। यह है शायद सुलगांव। सुबह के 8 बजे और अभी मैंने सुलगांव पार किया, आश्रम की तरफ मैंने गया क्योंकि गांव में आश्रम था और ये सीधा रास्ता गांव से बार बार आ रहा था तो मैं इधर बढ़ गया। आगे आने पर ये रास्ता आता है, पीछे जो एक कच्चा रास्ता जा रहा है इस रास्ते पे जाना हमें गोगांव की तरफ। गोगांव के लिए यही रास्ता? ठीक है, ये जो कच्चा रास्ता है गांव को बाहर करने के बाद पीछे ही गांव है, इस रास्ते पे गोगांव की तरफ जाना हमें। ये बरगद का पेड़ है, इस पे बोर्ड भी लगा हुआ परिक्रमा मार्ग। सुबह से अब तक का मेरा लगभग 10 किलोमीटर हो गया है, अभी तक कहीं विश्राम करने नहीं बैठा। आश्रम में जाने की इच्छा थी मगर वापस गांव में था, वापस बाहर आओ तो सीधा ही निकला। देखते आगे नर्मदे यार। मंडलेश्वर से निकला तब से अभी तक मुझे एक भी परिक्रमावासी रास्ते में कोई दिखाई नहीं दिया, क्योंकि अब धीरे धीरे परिक्रमा वासियों की संख्या में बहुत कमी आने वाली है। अब तक बहुत सारे लोग आगे निकल जाते हैं।
कोई मेरे वैसे पीछे रह जाते, देखते कोई ना कोई साथी मिलेगा, ये तो अकेले तो अच्छा ही है। इस तरफ चने की खेती है, चने लगे भी है, मैं आपको दिखाता हूँ। और इस तरफ गन्ने की खेती की हुई है। गोगांव यहाँ से 5-7 किलोमीटर बता रहे, कहीं पर आगे थोड़ा विश्राम करना पड़ेगा, बाद में आगे बढ़ेंगे। क्योंकि सुबह से लगभग 12-13 किलोमीटर हो गया नॉन स्टॉप। ये जो झूला है लकड़ी का बना हुआ है, और ये जो पट्टियां है, ये जो खेतों में क्या बोलते हैं टपक पद्धति के लिए जो यूज की जाती है, उनके वेस्टेज से बनाया भरा हुआ ये। और ये जो आप देख रही है, इनमें गन्ने के पौधे लगाए जाते, गन्ने के टुकड़े काट कर, ये आप देख रहे, छोटे छोटे गन्ने के टुकड़े काट के इनसे भी गन्ने के एक कलम बोलो, पौधे बोले, जो भी बनाए जाते। सूर्य देव के भी अभी दर्शन हो रहे, क्योंकि आज बारिश के आसार लग रहे, सुबह से बादल थे। तो झूले पर बैठे बैठे करीब आधा घंटा हो गया, और यहाँ पर बैठकर बाल भोग भी कर लिया, तो आगे बढ़ते अभी। वैसे बाल भोग का इंतजाम मैं साथ में रखता ही हूँ, पूरा वजन चाहे उठाना पड़े तो पड़े, मगर बाल भोग तो रखना ही पड़ता है। चलो फिर आगे बढ़ते गोगांव की तरफ। सुबह के लगभग 9:30 बजे, चलते चलते 3-3.5 घंटे हो गए, और अभी तक मैंने 16-17 किलोमीटर का सफ़र तय कर लिया। अच्छी बात है, वरना इतना सफ़र तो मैं पहले 2 दिन में करता था, तो ये सुबह सुबह ही काट लिया, क्योंकि अभी स्पीड बढ़ानी पड़ेगी, वरना समय हमारे पास कम है, कि बाद में गर्मी आ जाएंगी। और वो पीछे गांव दिखाई दे रहा है, शायद यही गोगांव है। गोगांव मंडलेश्वर से 17 किलोमीटर के आसपास है। ये आ गया है गोगांव, यहाँ पर बोर्ड लगा हुआ है, नर्मदा परिक्रमा मार्ग पथराड़ 3 किलोमीटर। संत सियाराम बाबा जी नर्मदा पहुंच मार्ग, पता नहीं कौन से सियाराम बाबा जी की तरफ जा रहा है, हमें पथराड़ सीधा जाना है। बराबर यहाँ आगे भी 2 रास्ते, मगर हमें ये लेफ्ट वाला रास्ता पे जाना है, यहाँ पर लिखा नर्मदा परिक्रमा मार्ग डींगार आश्रम 1 किलोमीटर। बोर्ड इधर बता रहा है जाना किधर है, उधर भी बता रहा है, इधर भी बता रहा है, आश्रम जाना है तो सीधा, और मार्ग ये है पथराड़ के लिए, शायद पूछ लेते। पथराड़ के लिए दादा ये रास्ता, पथराड़ पथराड़, और ये रास्ता आश्रम में जाएंगे, ठीक नर्मदे यार।
आगे से भी दो रास्ते आगे, मगर तख्ती लगी हुई है तो राइट वाले रास्ते पे जाना है। ये ठीक है कि तख्तियाँ लगी हुई है, वरना परेशान हो जाए परिक्रमावासी, क्योंकि खेतों के रास्ते में कोई मिले ना मिले। गोगांव से एक आध किलोमीटर आगे आने पर आगे कुछ परिक्रमावासी जाते हुए दिखाई दे रहे, दो तीन, वरना कल से तो कोई दिखाई नहीं दे रहे थे। हाँ, महेश्वर से मंडलेश्वर के बीच दो तीन दिखाई दिए थे। पतराड़ तो पता नहीं अभी और कितना दूर है, दो तीन किलोमीटर और बता रहे, और यहाँ बीच खेत के बीच थोड़ी देर विश्रांति के लिए बैठा हूँ। एक और परिक्रमावासी दिखाई दिए, चलो तो फिर अपना झोला उठाते और आगे बढ़ते, क्योंकि सफर अभी बहुत लंबा है, ज़्यादा आराम करना ठीक नहीं है। बहुत दिनों बाद ऐसा रास्ता दिखाई दिया गुजरात को छोड़ने के बाद। ऐसे रास्ते आते तो अंदाज़ा लग जाता है कि आगे कोई नदी मैया है, आगे शायद नर्मदा मैया में कोई और नदी मैया आकर मिल रही होगी, या फिर हम मैया के समीप हो गए, क्योंकि ये सब जो दिखाई देते हैं इन्हें कोतर बोलते हैं या बीहड़ भी बोल सकते हैं, ये नदियों के किनारे पर ही होते हैं। ये पथराड़ गांव है, इधर से हम आए, ये झंडियाँ लगी हुई है, बोर्ड भी है, इधर को जाना हमें, सामने भी खंबे पर झंडियाँ लगी हुई है। माँ रेवा फाउंडेशन की तरफ से यहाँ पर कोई आश्रम बनाया गया है। कुछ इस प्रकार के है यहाँ पर मकान। नर्मदे हर यह है पथराड़ गांव। इस बस्ती को पार करने के बाद एक नदी आती है छोटी, जिस पर ब्रिज बना हुआ है, इसको पार कर आगे शायद बड़ा गांव दिखाई दे रहा है, वहीं पर आश्रम है। आगे बोर्ड लगा हनुमान मंदिर आश्रम, और यहाँ से कोई गांव है 3 किलोमीटर, पता नहीं क्या लिखा हुआ है, सिरा खान यहाँ से 3 किलोमीटर लिखा हुआ है। अभी आश्रम में जाएंगे तो सिरा खान ये रास्ता जाता है। नदी पार करने के बाद कोई अच्छा गांव दिखाई दिया, शायद यही गांव है, वो कोई बस्ती थी, और ये मंदिर भी दिखाई दे रहा है, शायद यही हनुमान जी का मंदिर है, जाकर देखते हैं।
मैं उस रास्ते से थोड़ा आगे निकल गया था, फिर वापस आया। परिक्रमा वासियों की रुकने की व्यवस्था यहाँ पर होती है, हनुमान जी का मंदिर है। सामने एक दरगाह है, फिलहाल तो अंदर कोई है नहीं, शायद बाहर गए अभी आएंगे। जय बजरंगबली। यहाँ पर दो रूमें भी बनी हुई है, अभी यहीं पर विश्राम करेंगे और दोपहर के बाद आगे बढ़ेंगे।